हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बॉली पॉइंट। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग खान माने जाते हैं। सलमान खान के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी सुर्खियों में रहता है, भले ही वो सुर्खियों में रहना चाहें या ना चाहें। लेकिन अब खान परिवार से और साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई है। तोले जंजीर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता हैं, उनका निधन हो चुका है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। अपने समय में ज्यादा सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले सलीम खान का निधन हो चुका है। आपको बता दें, सलीम खान पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया था। सलमान खान अपनी अपकमिंग मूवी टाइगर 3 की शूटिंग छोड़कर अपने पिता के पास वापस आ गए थे और इसी बीच उनके निधन की खबरें आनी शुरू हो गई, जिसको सुनने के बाद सलमान खान के फैन के साथ साथ सलीम खान के फैंस भी दंग रह गए। आपको बता दें, जैसे ही सलीम खान को अस्पताल भर्ती किया गया था तो फौरन ही उनके निधन की खबरें वायरल होने लग गई थी। अब आपको हकीकत से आगाह कर दें कि अब सलीम खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनका घर में ही इलाज जारी है। उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनका निधन हो चुका है। लोग ऐसी खबरें इसलिए फैलाते हैं ताकि अपनी वीडियोस को टॉप ट्रेंड में ला सके। हमारी ये वीडियो बनाने का असल मकसद ही यही है कि अगर आपने ऐसी खबर सुनी है या इसके बारे में कोई जानकारी हासिल कर रखी है तो उस पर विश्वास मत करें। उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपका ऐसी खबरें फैलाने वालों के बारे में क्या कहना है, हमें अपने राय से कमेंट सेशन में आगाह करें। और ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब किस्मत फरी चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, ताकि आए दिन हम आपको नित नई खबरों से आगाह करते रहें। शुक्रिया।